आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा ब्रॉड करें और समझने की कोशिश करें कॉल्स इन एरियल एज वेल एज कॉल्स इन एडवांस इन सिंपल वे, इन सिंपल क्वेश्चंस। लेकिन प्रीमियम के संदर्भ में यहां पे एक बात और समझानी है मुझे, आप यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, इस तरीके की चीजें स्टूडेंट को थोड़ी सी तंग कर देती हैं, लेकिन आप जान लोगे तो आप कोई टेंशन में नहीं रहोगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आप उस बात को भी समझ लो। हमने यहां पे प्रीमियम को अलॉटमेंट पे कर दिया है। क्या प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे ही होगा? क्या प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे भी हो सकता है? क्या प्रीमियम आगे फर्दर कॉल्स पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल? ये सवाल दिमाग में चल रहा होगा आपके। जवाब है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कंपनी किस तरीके से प्रीमियम ये 120 रुपए किस तरीके से मांग सकती है, आइए जरा पहले उसको देखें और अकाउंटिंग एंट्री समझें कि यदि एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है तो कंपनी एंट्री क्या करेगी। अलॉटमेंट के टाइम की एंट्री आपने देख ली, अलॉटमेंट के टाइम पे अगर प्रीमियम मांगी जाती है कंपनी की तरफ से तो आपने क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, आपने अभी देखा। प्रीमियम की जो बात है एप्लीकेशन पे भी हो सकती है प्रीमियम की रकम, अलॉटमेंट पे तो हो ही सकती है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट पे ही जनरली अज्यूम किया जाता है। क्वेश्चन क्लैरिफाई कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है, कॉल पे भी है, ऐसा हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। प्रीमियम कंपनी जब चाहे जहां चाहे स्प्लिट करके उसे भी इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है। तो उस संदर्भ में अकाउंटिंग एंट्रीज में बच्चों को हमने देखा अननेसेसरी कंफ्यूज होते हुए। आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप बड़े ही आसानी से उन बातों को समझ सकते हो। बस एक सिंपल बात ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि कंपनी पार वैल्यू 100 रुपए, 20 रुपए है प्रीमियम के, ये प्रीमियम मनी है। कंपनी को टोटल चाहिए 120 रुपए। कंपनी कर क्या रही है, एप्लीकेशन पे मांग रही है ₹25 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5, 20 रुपए हो गए। अलॉटमेंट के टाइम पे ₹35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5, 50 रुपए हो गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹60 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹10। कंपनी ने किया क्या कि ये जो ₹20 प्रीमियम के थे, ₹5 यहां पे मांगे, ₹5 यहां पे मांगे, और ये ₹20 पूरे कर लिए इन्होंने, ₹10 फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे। अब बाकी बचे जो ₹100 एप्लीकेशन में ₹20 है, ₹30 अलॉटमेंट पे है, और ₹50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर देन यू कैन नॉट पास इंट्रीज। आप पहले क्लैरिफाई कर लो कि अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे जब है और प्रीमियम भी है तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है और एप्लीकेशन मनी कितना है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए। अब इस संदर्भ में हम यही क्वेश्चन अज्यूम करके चले और अकाउंटिंग एंट्रीज देखें, बेहद सिंपल है। तो अब देखिए फिर यहां पे वो बात समझानी होगी, इंस्टॉलमेंट कितनी हमें मान के चलना है कि कैश बुक नहीं रखा है कंपनी ने। ओके, कैश बुक पर सीधे सीधे एंट्रीज नहीं करनी है। इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं? इंस्टॉलमेंट्स है 3। एंट्रीज कितनी बनेगी? 6। 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो अगर सीबी नहीं रखा जाता, सीबी इज नॉट कैप्ट, सीबी नहीं रखा गया है, कंपनी क्या करेगी, कितनी एंट्रीज करेंगी? 6 एंट्रीज करेंगी। जितने इंस्टॉलमेंट उसकी दुगनी एंट्रीज। किस प्रकार की एंट्रीज होगी आइए देखते। सबसे पहली एंट्री जो होगी, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें इसकी एंट्री करनी है। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव करते हैं तो हमें एंट्री क्या करनी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमें करना होता है। अभी हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर दें, सिर्फ देखें कि ₹25 मिल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, 10,000 इंटू 25 कितने रुपए हो जाएंगे, 2.5 लाख, ये होगा। इज इट क्लियर? वेल, अभी दूसरी एंट्री करनी है एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है तो इसकी दो एंट्री बनानी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो कि टेम्पररी क्रेडिट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2.5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख प्रीमियम छोड़कर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये कितने होंगे, 50,000 रुपीज। ये 50,000 मैंने कहां से लिखा, 10,000 शेयर थे और उन 10,000 शेयर पे ₹5 प्रीमियम के थे, दैट बिकम्स 50,000 रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां से लिखा, 2 लाख रुपीज, 10,000 शेयर थे और उस पर पूरे ₹20 मिल गए तो 2 लाख रुपीज हो गया, ये पॉइंट में हमने करके लिख दिया, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के टाइम की एंट्री है और ये ट्रांसफर करने के टाइम की एंट्री है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब सवाल है कि अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनती है, अलॉटमेंट के टाइम में आप लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे पहले कर रहे थे, बिल्कुल सिमिलर, कैसे आइए देख लेते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है, 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट पेशेंस रखना है आपने। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है, सेकंड जो हमने करना है, ए बी कर दिया जाए,
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ए और बी दो एंट्रीज हमने करी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के लिए ऑन अलॉटमेंट अलॉटमेंट के टाइम पे हमने दो एंट्रीज करी है, ए ड्यू कराने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल, आइए देख लें अमाउंट क्या होगा। 35 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर 10,000, ड्यू कराएंगे हम लोग, तो ड्यू कराते वक्त ही यहां प्रीमियम क्रेडिट कर देना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट जाना है 50,000.50, शेयर कैपिटल में कितना जाना है 3 लाख, टोटल हमें कितने चाहिए 3.5 लाख चाहिए। आप सवाल है इसको रिसीव करने की एंट्री, ये ड्यू कराने की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट मनी ड्यू कराया और ये रिसीव करने की एंट्री हम लोग करेंगे। रिसीव करते समय हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बिल्कुल सिंपल वही एंट्री करेंगे जो अभी अभी हमने करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3.5 लाख। दैट्स इट। रही बात नरेशन की, नरेशन में भी बच्चों को हमने देखा है पूछते हुए सर सर नरेशन कैसे लिखी, इट्स वेरी सिंपल, नरेशन बड़ा ही आसान है लिखना यार, बचपन से आपने सीखा है। आप यहाँ लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 25 ईच व्हिच इंक्लूड्स रुपीज 5 फॉर प्रीमियम। आप यहाँ नाम ही लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब ट्रांसफर एंट्री डाल रहे हो तो उस समय आप लिखो कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज्ड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन 10,000 शेयर्स रुपीज 20 बीइंग फॉर एप्लीकेशन एंड रुपीज 5 बीइंग फॉर प्रीमियम। नरेशन का मतलब क्या है वो आप आज भी जान लो, कई बार मैंने बताया कि आप एक्सप्लेनेशन देते हो कि आपने वो एंट्री क्यों करी, किस बात के लिए वो एंट्री करी है। तो यदि आपको ये पता है तो आपको नरेशन लिखने में प्रॉब्लम क्या है, कोई टेक्निकल बात तो है नहीं कि यहां पे कुछ ऐसी बात होती है जो कि एकदम से रट्टा भार के आना है और वही लिखना है जो कि लिख दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपका प्रॉपर सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा हो कि डेबिट क्रेडिट जो आपने करा है उसको वो जस्टिफाई करता हो आपका एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। जब आप ड्यू कराओगे तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹35 व्हिच इंक्लूड्स ₹5 फॉर प्रीमियम, और जब आप रिसीव करोगे तो इवेंचुअली आप एंट्री कर दोगे, नरेशन लिख दोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, दैट्स इट ऑन 10,000 शेयर्स, बिकॉज़ देयर इज नो कॉल सिनेरियो, नो कॉल इन एडवांस, कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल एंट्रीज अकाउंटिंग एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। अब सवाल तीसरे सेगमेंट का है, हमने दो सेगमेंट पे बात कर ली, एप्लीकेशन की बात हो गई, अलॉटमेंट की बात हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जब आते हैं और यहां भी प्रीमियम, थर्ड सेगमेंट पे बात करें ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट ड्यू कराने की बात, ए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब आप इसको रिसीव करोगे वंस अगेन यू विल डेबिट बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। प्रीमियम यहां पे 10 रुपए का था, नाउ ये 1 लाख हो जाएगा और 55 लाख रुपीज आपके हो जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, टोटल अमाउंट 6 लाख होगा, आप यहां 6 लाख रिसीव कर लोगे। वंस अगेन अब हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि व्हाट वुड बी योर नरेशन, इज इट क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट एंड द नेक्स्ट सेगमेंट इज कॉल सिनेरियो एंड कॉल इन एडवांस एंड वी विल टेक सिमिलर एग्जांपल। ओके आई होप कि आप ये बेसिक फंडामेंटल एंट्रीज आप समझ रहे हो, दीज आर दी फाउंडेशन बेसिक्स, और अगर आप इन बेसिक्स को नहीं समझ रहे हो तो आगे तो दिक्कत आनी स्वाभाविक सी बात है। आई होप इसमें कोई जटिलताएं नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बेसिक जनरल एंट्रीज है जो कि सिंपल है। आगे हम लोग कॉल सिनेरियो पे बात करेंगे और कॉल इन एडवांस पे बात करेंगे इसी सेगमेंट में। तो आई होप कि आपने ये समझ भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। कॉल सिनेरियो होता क्या है, क्या कॉल सिनेरियो पे कंपनी इंटरेस्ट ले सकती है नहीं ले सकती, क्या एडवांस होता है, कॉल इन एडवांस क्या चक्कर है, क्या कंपनी को कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, इन सभी बातों की जानकारी हम लोग अभी लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कॉल इन एरियर आखिर होता क्या है। एरियर के बारे में आप लोग जानते होंगे, एरियर की हिंदी मीनिंग होती है बकाया, बाकी, नॉट येट रिसीव्ड। वी विल डिस्कस कॉल इन एरियर। ओके पहले कंसेप्ट क्लियर करा जाए कि कॉल इन एरियर एग्जैक्टली है क्या, देन एंट्री, और यही कॉल इन एरियर आगे के टॉपिक का जन्मदाता है, कौन सी टॉपिक, फॉरफीचर ऑफ शेयर, और वो कब, जब कॉल इन एरियर तो हो गया है और उस कॉल इन एरियर को कंपनी ने मांगा है। ओके और कंपनी को वो एरियर मिला ही नहीं, कंपनी ने नोटिफाई किया है, नोटिस भेजा है,
शेयर होल्डर्स को कि आप जो बकाया रकम है वो आप पे कर दो। 14 डेज नोटिस डिलीवर किया गया उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने एरियर कर रखा था और उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कंपनी बीओडी की मीटिंग करेगी और रिजोल्यूशन पारित करेगी और उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। हम लोग उस फॉरफिटर पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, बट एरियर समझे पहले कि एरियर होता क्या है एग्जैक्टली। ओके, आइए देखते हैं। कंपनी ने यहां फिर वही क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन हमारा वही है, चेंज नहीं हुआ अभी तक। जेड लिमिटेड ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, सॉरी 100 ईच एट 20% प्रीमियम। अब प्रीमियम को हम थोड़ी देर के लिए गॉन कर रहे हैं। एट पार द अमाउंट वेयर पेएबल, द अमाउंट वेयर पेएबल एज अंडर ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव कंपनी ने कितना किया? 10,000 शेयर्स। अलॉटमेंट कंपनी ने कितने शेयर्स पे रिसीव किया? ऑन 10,000 शेयर्स। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 9,000 शेयर्स। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी के द्वारा मांगी गई रकम का भुगतान समय पर ना कर पाए। तो वैसे सर्कमस्टांस में कॉल सिनेरियो का केस जन्म ले लेता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि इस सर्कमस्टांस में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करा कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए, दो एंट्रीज बनेगी, ए बी, रिसीव करने की, ट्रांसफर करने की। अलॉटमेंट कंपनी ने रिसीव करा है, इस पर भी दो एंट्रीज बनेगी, ड्यू कराने की और दूसरी एंट्री रिसीव करने की। हम लोग चार एंट्रीज इधर तो नॉर्मल कर लेंगे, लेकिन जब इधर इस सीगमेंट पे आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो ड्यू कराने की एंट्री हम लोग करेंगे और फिर रिसीव करने की एंट्री भी करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन रिसीव करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू कितने रुपए होंगे? 20 रुपीज। 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 30 एंड 9,000 इंटू 50, मिला तो यही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 9,000 शेयर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट? 10,000 इंटू 2 टू 20,000, इट बिकम्स 2 लाख। ट्रांसफर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। ये दो अलग अलग एंट्रीज कर दी हमने। अब अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। जब आप उसे रिसीव करने आओगे, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, क्योंकि यहां एरियर हुआ ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। ये आप पहले सीख चुके हो, ये आप पहले से जानते हो, लेकिन जब प्रश्न आ रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराने का, तो ड्यू तो कंपनी पूरा कराएगी, ड्यू कंपनी पूरे पूरे 10,000 शेयर्स पे करेगी, और ड्यू कराते समय एंट्री क्या करेगी, ये आप पहले से जानते थे, ये हमें करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने कराया। आपको ये दोनों एंट्री समझ लीजिए, जब एरियर हो रहा है किसी भी कॉल पे, तो उस टाइम पे कंपनी ड्यू पूरा कराएगी या नहीं कराएगी? बिल्कुल कराएगी, कंपनी को मांगेगी तो सभी से। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, 10,000 इंटू 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। जब कंपनी इसे रिसीव करने आएगी, तो यहां पे ऑप्शन कंपनी के पास एंट्री करने की आ गई। अब कंपनी रिसीव कितना करेगी? 4.5 लाख, क्योंकि 1,000 इंटू 50 50,000 रुपीज कॉल सिनेरियो, बैंक अकाउंट डेबिट 4.5 लाख, कॉल सिनेरियो डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पूरे 5 लाख, दैट्स इट, इट इज कॉल सिनेरियो। अब यहां पे समझना यह है कि कॉल सिनेरियो डेबिट करा गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट, क्या ये डेबिट करना एसेंशियल? नो, इट इज नॉट एसेंशियल। दो तरीके इसके, कि आप कॉल सिनेरियो लिखो फिर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पूरा पूरा क्रेडिट कर दो, या फिर आप कॉल सिनेरियो डेबिट ही ना करो, बैंक अकाउंट डेबिट 4.5 और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4.5। आप ऐसा कर लो, कॉल सिनेरियो के लिए अलग एंट्री कर दो आप, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या आप करो ही ना उसकी एंट्री, सीधा सीधा यहां नरेशन मेंशन करो कि बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, दैट्स ऑल। कॉल सिनेरियो की आप एंट्री करो ही, बट अमाउंट तो यहां 4.5 आया और यहां क्रेडिट कितना गया 4.5, जबकि ये डेबिट कितना हुआ था 5 लाख और यहां क्रेडिट कितना हुआ था कैपिटल 5 लाख। वैसे सर्कमस्टांस में कॉल सिनेरियो आपको बैलेंस शीट में घटाकर दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन सजेस्टेड ये है कि आप कॉल सिनेरियो डेबिट करने की आदत ना डालो तो बेटर।
क्योंकि फॉरफिचर के केसेस में आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सेल फॉरफिचर की केस आएगी, जब फॉरफिचर पर जब हम लोग बात करने लग जाएंगे, फॉरफिचर ऑफ सेल की बात जब होगी, ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप यहां पे कॉल सिनेरियो नहीं लिखोगे तो ज्यादा सूदिंग होगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे आप क्रेडिट करोगे फिर उसे सेल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितना अमाउंट नहीं मिला आप उसको क्रेडिट करोगे, अदरवाइज आपको वहां पे कॉल सिनेरियो क्रेडिट करना पड़ेगा। वी विल डिस्कस लेटर ऑन बिकॉज इट इज वेरी एट द वेरी लास्ट स्टेज, फॉरफिचर एंड रीइश्यू इज आवर लास्ट टॉपिक, हम लोग उस पर जाएंगे और उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग तो बस सिंपल फर्स्ट बेसिक एंट्रीज पे आए, कॉल सिनेरियो की बात कराया हमने, कॉल सिनेरियो के संदर्भ में बात करी हमने। ओके देखिए अगर आप लोग क्लास में कुछ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स समोसे इत्यादि अगर आप चाहते हो क्लासरूम में तो ये पॉसिबल नहीं है, आप बाहर जाके कर लो, ठीक है ना, परमिटेड ये मैं बोला। हाँ जी समझ में आ रही बात, आगे बढ़े, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, आप कॉल्स इन एडवांस पे बात करें, एरियर की बात आप समझ गए होंगे, कॉल्स इन एडवांस की बात क्या होती है वो कर लें। आइए देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, इस बार एडवांस लेना है, को थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स जारी कराए हैं, हंड्रेड ईच है, एट पार द अमाउंट्स वर पेबल एज अंडर 20 इन एप्लीकेशन, 30 इन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, द शेयर्स वर fully subscribed, all the amounts called up were duly received, but when allotment money was called up, one shareholder holding 1,000 shares paid the entire amount along with allotment. बात सिंपल सी है, बस समझना है आपने। कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किया था, प्रोस्पेक्टस जारी करा था 10,000 शेयर्स के लिए, कंपनी को पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले, कंपनी ने विधिवत उनका अलॉटमेंट किया, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मांगी, सभी लोगों ने अलॉटमेंट मनी दे दिया प्रेमपूर्वक बिल्कुल यथाविधि, और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 1,000 शेयर ले रखा था, जिसे 1,000 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अपने सारे रुपए अलॉटमेंट वाले भी पैसे और आगे जो उसने देने थे वो भी अलॉटमेंट के टाइम पे ही देगा, कंपनी ने अभी वो रुपए नहीं मांगे थे, तो अब हम लोग एंट्री कर, यही कौन सी एडवांस है, एडवांस का मतलब क्या हुआ, एडवांस का मतलब सिंपल है, जब आपसे मांगा नहीं जा रहा और आप दे रहे हो, जब वो ड्यू नहीं हुआ और आप ड्यू होने से पहले ही उसे आप पे कर दे रहे हो, दैट इज एडवांस। ओके एंट्रीज कैसे होंगी, वेरी सिंपल, फर्स्ट एंट्री हम लोग किस बात की करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करने की, सेकंड एंट्री हमें किस बात की करनी है, एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर एंट्री, थर्ड एंट्री हमें किस बात की करनी है, अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री करनी है, फोर्थ एंट्री हमें किस बात की करनी है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करनी है, फिफ्थ एंट्री हमें किस बात की करनी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कराने की एंट्री करनी है, और सिक्स्थ एंड लास्ट एंट्री हमें करनी है टू रिसीव करने की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री करनी है। तो भाई फर्स्ट एंट्री तो आप परिचित हो चुके हो, पहली एंट्री आप बड़ी आराम से कर लो, देखा जाए तो आप सारी एंट्रीज बड़ी आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच वुड बी द अमाउंट, वंस अगेन 10,000 शेयर इनटू 20 2 लाख, ट्रांसफर करने की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, यहाँ पे कोई एडवांस नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया हमने। नाउ अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट 2 लाख, ये हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कराया। अब भैया हुआ यही है कि ऑल द शेयर्स वर बहुत ही सिंपल एंट्री है। जब भी आप एडवांस रिसीव करते हो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एडवांस में कितना अमाउंट आ रहा है 50,000, तो ये तो 50,000 आपके बैंक में पड़ा ही है, लेकिन अलॉटमेंट मनी भी तो सभी लोगों ने दे दिया है। अलॉटमेंट मनी थी कितनी 2 लाख, 50,000 आपका एडवांस, टोटल कितना हो जाएगा 2,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज, 50,000 आपने एडवांस रिसीव किया। ये एडवांस आया कहां से, हमने अभी भी बताया 50 रुपीज पर शेयर और 1,000 शेयर पर एडवांस मिला। How much amount you have received as an advance? That is 50,000 rupees. And equity share allotment account will be credited by rupees 2 lakh because सभी shareholders ने allotment money दे रखा है। First and final point due कराने की entry हम लोग क्या करेंगे? As usual जो पहले से करते हैं। लेकिन due कराने के लिए यहाँ आपको बताई जा रही है। आप ध्यान दें यहाँ पे। एक बात यहाँ आई। Equity share first and final call account debit 5 lakh rupees because 50 rupees first and final call क्या है? Balance on first and final call that would be रुपीज 50, 30 अलॉटमेंट में मांगा गया था, 20 एप्लीकेशन में मांगा गया था, 55 लाख रुपीज होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पॉइंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे कॉमन सेंस ये कहता है कि कंपनी ने मांगा जरूर है, लेकिन क्या कंपनी को पूरा 5 लाख मिलने वाला है यहाँ? बिल्कुल नहीं। रीजन इज दैट कि जो 1,000 शेयर रखा हुआ था जिसने अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपया दे रखा है, ये 50,000 रुपीज जो एडवांस कंपनी को मिला था, क्या वो यहाँ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। कंपनी एंट्री क्या करेगी नहीं मिलने वाला है, तो बाकी लोग तो दे रहे हैं ना। जी हाँ, बाकी लोगों ने दे रखा है। कितना दे रखा है? बैंक अकाउंट डेबिट 4.5 लाख होगा। कॉल्स इन एडवांस अब एडजस्ट कर देंगे हम लोग। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस में 50,000 और यहां पूरे 5 लाख आएंगे। दैट्स इट। ये आपका एडवांस का केस हो गया। अब इसी पे बात आती है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के क्रम में। उन्हें कर क्या दिया जाता है कि एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रश्न में उन्हें दोनों बातें दे दी जाती हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस क्या? कि कौन से एरियल भी उस क्वेश्चन में होता है और कौन से एडवांस भी उस क्वेश्चन में होता है। नो प्रॉब्लम, आप दोनों को अलग अलग समझ रहे थे, दोनों की अलग अलग एंट्रीज आपने देखी कि कौन से एरियल होगा तो हमने एंट्रीज क्या करनी है, कौन से एडवांस होगा तो हमने एंट्रीज क्या करनी है। आपने देखा अभी यहां पर, इससे पहले हमने डिस्कस करा कि कौन से एरियल के संदर्भ में एंट्री क्या हो सकती है, क्या एंट्री नहीं हो सकती है। एंट्री करा भी जा सकता है कौन से एरियल डेबिट, एंट्री नहीं भी की जा सकती कौन से एरियल डेबिट। हम करके चलते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमें एक एग्जांपल ऐसा लेना है जिसमें कि कॉल्स इन एरियर भी हो जाए और उसी क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली कॉल्स इन एडवांस भी आ जाए और दोनों को हमें मिक्सअप करके देखना है कि एंट्रीज कैसे बनेंगी, किस तरीके से हम लोगों को जनरल एंट्रीज करनी है। आइए देखते हैं, एग्जांपल को लेते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं इसी सीगमेंट में। अभी हम लोग कहां है आप थोड़ा इधर देखेंगे, आप सभी लोग, हमने इसे लिख रखा है अकाउंटिंग एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स इक्विटी और प्रेफरेंस। हमने इसकी बेसिक एंट्रीज पे बात कर ली है। हम लोग मूव कर गए कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में ये दोनों बातें हमने सेपरेटली करी हैं। अब इन दोनों बातों को कंबाइंड रूप से भी देखना है हमने। ये प्लस का सिंबल हमने ऐसे नहीं बना रखा था, इसके पीछे वजह थी, वजह ये थी कि एक ही क्वेश्चन में दोनों को देखेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। हमने देखा कि कुछ बच्चे इस पे पजल हो जाते हैं कि भाई कॉल्स इन एरियर भी हो गया कॉल्स इन एडवांस भी हो गया, अरे यार करें तो क्या करें। बिगनर्स तो खास तौर से हो जाते हैं पजल, आप लोग तो शायद ना हो बट बिगनर्स हो जाते हैं इसमें पजल। एंड लेट मी डिस्कस अबाउट इट, देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। आइए कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को हमने सेपरेटली डिस्कस किया, तो इंटरेस्ट पे बात खत्म ही कर ली जाए, देन हम लोग इस पे क्वेश्चन लेंगे साइमल्टेनियस वाली। देखिए पुराने एक्ट में जो था ना 1956, उसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का प्रोविजन था, अभी भी है, बट सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है कि पुराने एक्ट ने जो इंटरेस्ट की बात करी थी कॉल्स इन एडवांस पे वो 6% करा था, नाउ इट इज गोन अप टू 12% एंड कॉल्स इन एरियर उसमें भी इंटरेस्ट का प्रोविजन था 5%, नाउ इट हैज गोन अप ऑल्सो टू 10%, जस्ट डबल कर रखा है। पहले 6 था अभी 12 है, और पहले उसका 5 था अभी कितना है 10 है। एरियर पे 10, एडवांस पे 12। आपको इसके बारे में भी मिलेगा, वो मटेरियल है जिसमें कि दे रखा है वो आपको मिल जाएगा, जो मटेरियल है वो आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा, आप उसमें देख लेना सारी डिटेल उसके बारे में। तो एंट्रीज क्या होगी कॉल्स इन एरियर पे अगर इंटरेस्ट लगाई जाती है कंपनी की तरफ से? देखो क्या बात समझना होगा आपको, कॉल्स इन एरियर किया किसने, शेयर होल्डर ने। इंटरेस्ट कौन किसको देगा, जाहिर है कि जिसे पैसे देने थे, शेयर होल्डर को पैसे देने थे और उसने पैसे समय पे कंपनी को नहीं दिए,
ठीक है, तो इंटरेस्ट कौन देगा? शेयर होल्डर्स देंगे कंपनी को, कंपनी कौन से लेवल पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, दैट वुड बी गेन फॉर कंपनी एज फार एज कंपनी इज कंसर्न्ड। बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोग गेम की जानते हो, आप एंट्री कर लोगे उसकी, क्या एंट्री पास करोगे आप, कौन से इंटरेस्ट ऑन कौन से एरियर पे, जब एंट्री सॉरी जब इंटरेस्ट रिसीव करती है कंपनी तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कौन से एरियर। लेकिन कंपनी को अगर शेयर होल्डर्स ने एडवांस दे दिया था तो शेयर होल्डर्स अब इंटरेस्ट पाने के हकदार हो गए, और वो इंटरेस्ट पाएंगे देन इट वुड बी जस्ट लाइक एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, कंपनी इस पर डेबिट करेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। दीज आर द सिंपल बेसिक जनरल एंट्रीज जो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, तो अभी उस पार्ट पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री बेहद सिंपल है, इस एंट्री पे आप लिख के बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि एंट्रीज कॉल्स इन एरिया पे क्या होंगी। कॉल्स इन एरिया की इंटरेस्ट कंपनी के नजरिए से देखें तो एक्सपेंस है कि इनकम है, क्या है? गलत। कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट कंपनी देगी वो एक्सपेंस है, अदरवाइज ये एक गेन है, इट इज गेन एज फार एज कंपनी इज कंसर्न्ड। तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एरियर पे अगर कंपनी इंटरेस्ट ले रही है तो वो कंपनी के लिए क्या होगा? गेन। तो ये तो गेन तो क्रेडिट बनता है, बैंक को आप कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट कर लोगे। अब बात करें दोनों की साइमल्टेनियस की, साइमल्टेनियस कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस। भाई आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, बिल्कुल स्लो जा रहा है, सीगमेंट स्लो है, एंड वी वुड मूव टुवर्ड्स फॉर फ्यूचर एंड रिव्यू बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी सर प्लीज डिस्कस करो आप फॉर फ्यूचर पे रिव्यू पे, और मैं वहां पहुंच रहा हूं बहुत जल्द। लेकिन कुछ बिगिनर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट कर रखा है कि सर आप शुरू से चलो, आप बेसिक एंट्रीज से चलो, और मेरे लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि ये वीडियो आपको वो बेसिक्स भी दे कि आप यदि फर्स्ट टाइम भी आप देख रहे हो तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल माइंड मेकअप आप कर लो कि आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप चल रहे हो, थोरली जा रहे हो, और आप बिल्कुल नीचे से चल रहे हो, और आप बिल्कुल इस चैप्टर को कंक्लूड करके ही खत्म करोगे। ओके, आइए हम लोग बात करें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की। साइमल्टेनियस इसी क्वेश्चन को कैरी करेंगे, फिर से इसी क्वेश्चन को कैरी करेंगे, और इस क्वेश्चन पे फिर से लाइट थ्रो करेंगे। साहब आप थोड़ा यहां जूम करेंगे, आइए देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो चेंजेस लाने हैं मेरे को वो भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखेंगे, यहां पे अभी तक सारी बातें सिंपल चल रही थी, यहां से थोड़ा स्टेप आगे बढ़ेगा। जेट लिमिटेड ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार द अमाउंट दैट पेएबल एज अंडर 21 एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज रुपीज 50, यहां पे समझने के लिए था कि 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगा। This year's were fully subscribed, all the amounts part of the duty received, but when allotment money was called up, one shareholder holding 1,000 shares paid the entire amount along with allotment, and another shareholder holding 500 shares could not pay the first and फाइनल कॉल मनी। क्वेश्चन आपका वही है, बट चेंजेस क्या हो गया? यहां फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 500 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ, एरियर भी हो गया तो, और अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस भी मिल गया, एंट्रीज कैसे होंगी? वंस अगेन इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, करना क्या आपने? क्योंकि यहां इंस्टॉलमेंट तीन तो एंट्रीज छे, वो तो आपको ऑलवेज करनी ही करनी बात। फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर में इक्विटी शेयर आपको लिखना होगा 2 लाख। दूसरी एंट्री आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिले थे, हमने 10,000 पे एप्लीकेशन रिसीव किया, उसे कैपिटल में जोड़ दिया, कैपिटल में ले गए, ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना है भैया? अलॉटमेंट पे 30 रुपीज है, दैट वुड बी 3 लाख रुपीज। 3 लाख रिसीव करने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर किसी ने एरियर नहीं करा, आइए एक बार क्वेश्चन फिर से लिख लें, देख लें। द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल द अमाउंट्स कॉल्ड अप वेयर ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन अलॉटमेंट मनी वाज कॉल्ड अप, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर पेड द एंटायर अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट के टाइम पे ही हमें एडवांस मिला, तो हमें एडवांस को क्रेडिट करना ही होगा, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे। 1000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट मनी
अलॉटमेंट रिसीव करते समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो रुपया था वो एडवांस में मिल गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आ रहा था 50 रुपीज, तो 1000 इनटू 50, 50,000 बुटी कॉल्स इन एडवांस। और अलॉटमेंट के टाइम पे कोई एरियर नहीं है तो अलॉटमेंट का 3 लाख रुपीज होना ही होना है, तो आप बैंक में कितना आएगा 3,50,000। ओके, जल्दी से देखते हैं कि अब इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात क्या होगी। इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल ड्यू कराते समय पूरा ड्यू कराया जाएगा, दैट विल बी 5 लाख रुपीज। जब आप इसे रिसीव कर रहे होंगे तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट, क्योंकि एडवांस जो आपको पहले मिल चुका है ये वाला, ये अब यहां मिलने वाला नहीं है 50,000 रुपीज। अब कुछ एरियर्स भी हो गए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, एरियर कितने सेल्स पे 500 सेल्स पे, 500 इंटू 50 कितना होगा 25,000 रुपीज। अब आपका क्रेडिट क्या आएगा टू शेयर, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपने कितना ड्यू कराया था 5 लाख रुपीज, 4,25,000 आपको मिलेंगे, क्योंकि आप 5 लाख ड्यू करा रहे हो, आपको 50 मिलना नहीं है, 25 मिला नहीं, तो मिला कितना 4,25,000। ओके, आई थिंक ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस टॉपिक आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप यू माइट हैव वेल अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। ओके, थैंक्स अ लॉट, वी विल मीट यू आफ्टर द ब्रेक, थैंक यू।